हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर में। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम सीखेंगे एंगल के टाइप्स और उसका मेजरमेंट। ओके, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इसके अंदर आपको एंगल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे वो आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से खास निवेदन कि मेरे इस चैनल से अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और अंत तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि एंगल्स को मतलब उसके जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। सबसे पहले उसकी मेजरमेंट की बात करते हैं। एंगल को मेजरमेंट करने का एक मैथ्स में इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको कहा जाता है प्रोट्रैक्टर। उस प्रोट्रैक्टर के अंदर ऐसे बहुत सारी एंगल्स दिए हुए होते हैं। ये एक सेमी सर्कल शेप में होता है, ये पूरा सर्कल होता है। अगर इस सर्कल को हम इतना रब कर दें और ऐसा एक बेस बना दें तो ये बन जाता है प्रोट्रैक्टर। ओके, ये प्रोट्रैक्टर जो है वो एंगल को मेजरमेंट करने में काम में आता है। ठीक है, अब इसके अंदर एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है। यहाँ पर लाइनें दी हुई होती हैं, इस लाइनों में हर एक में एक एक डिग्री का फर्क होता है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट इस तरीके से अलग अलग एंगल बनते हैं इसके अंदर, और इस एंगल का मेजरमेंट इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से होता है। ओके, जिसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार, है ना। अब स्टार्ट करते हैं कि एंगल के कितने प्रकार होते हैं, एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला टाइप अगर हम देखें, यहाँ से अगर आपको कहा जाए कि जीरो डिग्री का एंगल बनाओ तो यहाँ पर ये देखोगे जीरो डिग्री का एंगल ये बनता है। ओके, मतलब इसको कहा जाता है जीरो एंगल, सिंपल जीरो एंगल। अब इसके अंदर ये जो प्रोटेक्टर है इसके अंदर दो अलग अलग डिवीजन होते हैं, मतलब कहीं पर 180 डिग्री एक बार यहाँ भी लिखा आता है, एक बार यहाँ पर भी लिखा आता है, एक बार अंदर की साइड भी होता है, एक बार बाहर की साइड भी होता है। अगर आप मेजर यहाँ से करोगे, यहाँ ये लाइन खींची आपने, अगर हमको एंगल बनाना है तो हमको यहाँ पर ये यहाँ पर एंगल दिए होंगे उसको यहाँ से हमको मेजरमेंट करना है इस तरीके से। अगर आप लाइन को इस तरफ से खींचते हो, मतलब यहाँ से एंगल का मेजरमेंट करते हो, तब आपको एंगल इस तरफ बनाना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। एक एंगल ऐसा होता है, चाहे आप इधर से एंगल ड्रॉ करो या इधर से ड्रॉ करो, बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है ये। ओके, ये इस तरफ से ड्रॉ करोगे तो भी सीधा बनेगा। ओके, दिस इज 90 डिग्री। ओके, और इस तरफ से ड्रॉ करोगे तो दिस इज 90 डिग्री, दोनों तरफ से लाइन को कवर करवाना है, ये और ये। क्लियर। नेक्स्ट जीरो डिग्री का एंगल होता है। दूसरे टाइप्स का जो एंगल है जिसको कहा जाता है एक्यूट एंगल। दूसरे टाइप का जो एंगल होता है उसको कहा जाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस है। एक्यूट एंगल वो होता है जिसके अंदर जीरो डिग्री से बड़ा, यानी कि जो एंगल है वो जीरो डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको कहा जाता है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर का जो एंगल है जिसको कहते हैं हम राइट एंगल। राइट एंगल फिक्स होता है, जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम समकोण कहते हैं हिंदी में इसको, और इसको कहा जाता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और ये जो एक्यूट एंगल है इसको हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा कोण है, न्यून कोण, दैट मीन्स एक्यूट एंगल, जीरो डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। और जो 90 डिग्री का एग्जैक्ट होता है उसको कहा जाता है समकोण। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का जो एंगल है वो है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। इस बात का भी आपको रखना है ध्यान। ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। कौन सा एंगल कहा जाता है, अधिक कोण, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का एक एंगल बनाते हैं हम, जो हमारा है स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल, इसको हिंदी में कहा जाता है ऋजु कोण। कौन सा कोण? ऋजु कोण। ये ऋजु कोण जो होता है वो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसको कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। क्लियर। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का जो कोण है उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। अब हमने तो ये जो सेमी सर्कल बनाया है, जो हाफ बनाया है, वो तो 180 तक ही है, लेकिन जब ये पूरा इस तरीके से बनता है सर्कल में, तो ये 180 डिग्री से बड़ा और ये पूरा जो एंगल है 360 डिग्री उससे छोटा। मतलब 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा जो भी एंगल होता है उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल में आपको खास बात ध्यान रखनी है कि वो ये अर्धचंद्राकार से ये नीचे की तरफ, मतलब ऐसे जो एंगल होते हैं इस तरीके से, ओके, जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर का। 7 नंबर का जो है उसके अंदर क्या है कि एक पूरा के पूरा जो सर्कल बनता है, पूरा गोल, उस वो एंगल हमेशा 360 डिग्री का होता है और उसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट एंगल। ये जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का, ओके। तो इस तरीके से पूरा के पूरा जो एंगल बन गया, मतलब हाफ ये और हाफ ये मिलके पूरा बन जाता है और ये पूरा जो है वो होता है 360 डिग्री का एंगल, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। पहला एंगल लिखा 35 डिग्री, दूसरा लिखा मैंने 90 डिग्री, तीसरा लिखा मैंने 125 डिग्री, फोर्थ नंबर मैंने लिखा 225 डिग्री, फिफ्थ नंबर का लिखा मैंने 360 डिग्री। अब आपको बताना है कि ये कौन से टाइप्स का एंगल है। तो आप देखिए 35 डिग्री जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है, मतलब 0 और 90 के बीच में है, तो ये हमारा है एक्यूट एंगल। क्लियर। दूसरा 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम बोल सकते हैं कि वो राइट एंगल है। तीसरा 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा जो होता है उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब ये जो एंगल है वो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेट एंगल, 225 डिग्री नहीं, लेकिन एक एग्जांपल और लिख देते हैं 180 डिग्री, जिसको कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। अब 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा, जिसका नाम दिया हमने रिफ्लेक्स एंगल, वो हो गया ये 225। और हमारा लास्ट जो है वो है कंप्लीट एंगल, जिसको 360 डिग्री का होता है। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि इसके अंदर 4 टोटल पार्ट होते हैं। एक पार्ट में ये एंगल 90 डिग्री का होता है, दूसरा ये जो पार्ट है वो भी 90 डिग्री का होता है, तीसरा जो पार्ट है वो भी 90 डिग्री का होता है, चौथा जो पार्ट है वो भी 90 डिग्री का होता है। मतलब 4 राइट एंगल से एक कंप्लीट एंगल बनता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार, ओके। नेक्स्ट, कितने ये स्ट्रेट एंगल से एक कंप्लीट एंगल पूरा होता है, तो आप प्लस कर दीजिए इन दोनों को। अगर प्लस करोगे तो ये हो गया 180, इन दोनों को प्लस करोगे 180, मतलब दो स्ट्रेट एंगल से एक कंप्लीट एंगल पूरा होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ओके। सो मेरे आज के इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, उसका मेजरमेंट किस तरीके से होता है। सो मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया। पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।